राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। लोकसभा के अंकगणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार, दो बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वे समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामा राव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।